ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोलन एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने मिनी सचिवालय के बाहर भारी संख्या में नागरिकता संशोधन विधेयक का जमकर विरोध किया। ये प्रदर्शन एनएसयूआई जिला अध्यक्ष तुषार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस कानून की वजह से देश में एक तनाव का माहौल बना हुआ है। कानून का विरोध करने वालों पर डंडे बरसा कर उन्हें खामोश करने का प्रयास किया जा रहा है। सोलन एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं ने मिनी सचिवालय के बाहर भारी संख्या में नागरिकता संशोधन विधेयक का जमकर विरोध किया। ये प्रदर्शन एनएसयूआई जिला अध्यक्ष तुषार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस कानून की वजह से देश में एक तनाव का माहौल बना हुआ है। कानून का विरोध करने वालों पर डंडे बरसा कर उन्हें खामोश करने का प्रयास किया जा रहा है। युवाओं के आवाज को जबरदस्त दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि देश में सभी को अपनी राय रखने का हक कानून ने दिया है, लेकिन केंद्र की सरकार सभी की आवाज को दबाना चाहती है, जो सरासर गलत है और सरेआम कानून का उल्लंघन केंद्र सरकार द्वारा किया जाए, जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसलिए उपायुक्त सोलन के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया है। इस मौके पर एनएसयूआई जिला अध्यक्ष तुषार सिंह ने कहा कि भारत का लोकतंत्र खतरे में पड़ चुका है। देश की सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है और अगर कोई उनका विरोध करता है तो उस विरोध को जबरन बलपूर्वक दबाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने छात्रों की आवाज को कुचलने के लिए उन पर गोलियां तक चलवा दी हैं, जिसके चलते एक छात्र को अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा है, जो एक शर्मनाक घटना है। इसलिए उनके द्वारा एसडीएम सोलन के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया है और देश के लोकतंत्र को बचाने का आह्वान किया गया है। जी, आज सोलन एनएसयूआई इकाई द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। ये धरना प्रदर्शन पिछले जो दो दिन पहले जामिया यूनिवर्सिटी में छात्रों पर लाठियां बरसाई गई, गोलियां बरसाई गई, जो छात्र कैब के विरोध में प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें सीधा सा अमित शाह जी का ऑर्डर था कि इनको यूनिवर्सिटी में जाके मारो, और पुलिस ने यूनिवर्सिटी में जाके कैंपस में जाके छात्रों को मारा है, बेरहमी से गोलियां बरसाई हैं और एक छात्र उसमें उसको अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ा है, और यहां तक कि हॉस्टल में भी लाठीचार्ज हुआ है। हालांकि पेपर्स चले हुए हैं, फिर भी पुलिस वालों ने यूनिवर्सिटी का तोड़ फोड़ करके यूनिवर्सिटी को तबाह कर दिया है। आपने पिछले कल सुना होगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी लखनऊ में भी विरोध प्रदर्शन हुआ, वहां भी लाठीचार्ज हुआ है। तो ये बीजेपी की एक घटिया नीति है कि आप मुस्लिम को आप इस तरह से प्रताड़ित कर रहे हो, और वो तो छात्र है, और ये एक डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में सबको अपनी आवाज उठाने का हक है। ये सीधी सी बात है कि अमित शाह जी इस संविधान पर आहत पहुंचा रहे हैं। हम राष्ट्रपति के माध्यम से, राष्ट्रपति महोदय जी के माध्यम से जो है ये जो बिल है इसको खत्म करने की मांग करते हैं।